अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि ईद पे ज़रा एक मसला हो गया था। सलार बीमार हो गए थे और उनकी वजह से ईद मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकी, व्लॉगिंग नहीं कर सकी। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी सबको, और सलार के लिए सब बहुत ज़्यादा दुआएँ करें। तो आज हम जा रहे हैं पार्क, वुडन पार्क है, ठीक है। वो मेरी एक फ्रेंड है नूर, उसके घर के करीब है, तो वहाँ ना ईद का फेस्टिवल लगा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सलार माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज पार्क जाते हैं। और हमारा की भी ऑफ थी, मिसबा ने भी जाना था, बट मिसबा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके लिए भी सब ज़रूर दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, आमीन। तो सीन कुछ ऐसा है, और इसी के तो पैसे हैं। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि जो नूर है, ठीक है, वो मुझे काफ़ी कहती तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, बट मैंने उसे कहा कि मैं नहीं जा रही, मौसम ठंडा है। और मुझे शरियार ने मना किया है कि बाहर सर्दी है, सलार को नहीं लेकर जाना। और जबकि मौसम ठंडा नहीं है, लाइक बहुत खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। तो अभी नूर के साथ प्रैंक ये किया है हमने कि नूर को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अमारा आ रही है, और अमारा आ रही है और मैं नहीं आ रही। तो गाइस चलकर देखते हैं कि जब नूर मुझे देखेगी तो उसे कैसी खुशी होगी। तो उसकी तरफ मैं कैमरा रखती, बट कुछ तो मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगा यार। सो और आप लोगों को मैं आज सारा पार्क दिखाऊंगी जो ईद का फेस्टिवल लगा हुआ है, लाइक ईद का मेला लगा हुआ है पार्क में। तो वहाँ झूले और खाने पीने की चीज़ें, काफ़ी कुछ होगा, काफ़ी कुछ दिखाने को होगा। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा, और प्लीज़ 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 जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके मुझे प्यार करें। तो बस अब हम नूर के घर तकरीबन पहुँचने वाले, थोड़ा सा दूर है नूर का घर हमारे घर से, बट वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, और मुझे ना अपने ना गांव की फीलिंग आ रही है। और ये नीचे नदी है, और जो नूर के बराबर में पार्क है ना, तो वो पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ भी झील है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो फुल से फुल पूरी की पूरी देखिएगा, ठीक है। तो अब नूर की तरफ चलकर मिलते हैं। सो हम लोग नूर के घर पहुंच चुके हैं, और हमने डिसाइड ये किया है कि हमारा पहले नहीं जाएगी, मैं ही पहले जाऊंगी, और नूर जैसे दरवाज़ा खोलेगी तो वो मुझे आगे देखेगी, और देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है, ठीक है। सो अब मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी, क्योंकि मेरा बाजा बहुत तेज़ है। सो हमारा तो इसको देख रही है, खोला है। सो लेट्स देखते नूर का रिएक्शन क्या है। हमारा तो जुल्लू बनाई थी पूरे रास्ते। कैसा लगा हमारा प्रैंक? बच्चा तो उठाऊ मैं वाइफ से कसम है। मैं से प्रैंक नहीं उठाऊंगी, इतनी भारी है। हेलो नूर, बहुत तेज है, बहुत तेज। कैसा लगा सरप्राइज? सो गाइस हम जा रहे हैं, ठीक है, पार्क, और नूर के घर बहुत ज्यादा मजा है। ये सब तैयार हो रहे हैं, तो चलो गाइस अब हम जा रहे हैं, ठीक है। नूर के घर तो इधर बैठे थे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, कुछ खाया पिया है, तो अब हम निकल रहे हैं और पार्क पहुँच कर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो ये गाइस हम पहुँच चुके हैं पार्क, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ झील है, और आप देख सकते हैं कि बत्तख है। सो ये देखें आप, मतलब कितनी खूबसूरती है यार। आप
दिखाया जा रहा है, फोटो शूट चल रहा है, ठीक है। और ये गधा मिला है जो पता नहीं क्या ढूंढने जा रही है वहां, समझ से बिल्कुल बाहर। मिठो मिठो मिठो, चलो घर वापस। नो गाइस चलो, हम आपको आने नहीं लाएंगे यार, नहीं लाएंगे। मिठो बात सुनो, इधर बात सुनो मिठो, चलो आ जाओ, कम 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 लेट्स गो। ये बिल्कुल भी नहीं सुन रही, ये होता है छोटे बच्चों के साथ, ये होता है छोटे बच्चों के साथ। इनका जो दिल करेगा इन्होंने वही कर दिया। खालू मैं खालू ये लॉलीपॉप, चलो वी गो, चलो 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 अब आ दूर ये दूर से उड़ा दे। सो हुआ कुछ हमारे साथ यूं है कि पार्क बंद है और हमें नहीं मालूम कि इसकी टाइमिंग क्या है, और सो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्यों कोई बात नहीं है, हम लोग इतने दूर से आए। वो देखो ना अंदर सारी की सारी जो गाड़ी कवर हुई हुई है, झूले सारे कवर हुए हैं। अब पता नहीं क्यों बंद है, बट कोई नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय वैसे ही कर लिया था। और हम ईद के सेकेंड डे आई थिंक या थर्ड डे भी आए थे झूले झूलने, तो उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि सरार बाबा के पास थे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो मैं सोचा था आप लोगों को साथ दिखाती जाती हूँ कि ईद यहाँ किस तरह सेलिब्रेट की जाती है, बट यहाँ तो सीन ही कुछ ऑफ है। तो अब हम टाइमिंग देख रहे हैं कि क्या टाइमिंग है। यार यहाँ पे वो क्यों लिखा रहा, तो हमने टाइमिंग देख ली है। हम जिस दिन आए आई थिंक कल ओपन है, कल भी ओपन है, कल वहाँ पे टाइमिंग ट्यूसडे ट्यूसडे वेन थर्सडे, अच्छा फ्राइडे को ओपन है, ओके संडे को भी ओपन है। मेरे ख्याल 5 बजे ओपन हो जाएगा क्योंकि आदमी ने कहा था कल 5 बजे ओपन होगा। इधर कहाँ है कुछ खाने के लिए, है आगे कुछ खाने के लिए, तो होपफुली मे भी खुल जाए 5 बजे। कुछ आइडिया नहीं है हमें, बट कोई नहीं, चलो अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। वैसे यहाँ क्या है खाने के लिए लड़कियों, सच्ची में मुझे तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, कैफे वैफे। टू चेक द व्यू, लाइक पार्क में आने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह के खूबसूरत पार्क होते हैं यहाँ। और यहाँ हर गली के कॉर्नर पर पार्क है, अच्छा हर गली के कॉर्नर पर इस तरह के पार्क है। तो वो सामने अब कैफे है, तो देखते हैं कि वहाँ क्या खाने को मिल सकता है हमें। और वो सामने आई थिंक बच्चों की राइड से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इनके पास खाने में क्या क्या है। तो इनके पास खाने में है कबाब, बर्गर, शॉर्मा तो नहीं नजर आ रहा, आई थिंक वो साइड है। तो हमने ऑर्डर कर लिया था, हमने ऑर्डर ये बर्गर और चिप्स किए और साथ में वो सोसिस रोल है वो किया है। तो अब हम खा कर आपसे मिलते हैं। और हमें पता लग गया है कि 5 बजे जो पार्क है ना वो ओपन हो जाएगा, ये कैंटीन वाले अंकल ने बताया है, तो आज आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो खाना पीना कर लिया हमने, ठीक है अब हम जा रहे हैं पार्क, ठीक है वो खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और को बड़ा मज़ा आने वाला है, लास्ट टाइम हमने 3 राइड्स ली थी और अब देखते हैं कि कौन कौन सी राइड्स लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, आ जाओ तो ये ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है अभी तक ओपन हुआ नहीं है, ओपन कर रहे हैं
और अब देखते हैं कि टिकट क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम लोग इस वाले दरवाजे से गए थे छुप के, बट वहाँ से आपने आई थिंक टिकट लेना पड़ेगा आपको। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो हम अंदर आ चुके हैं, जो एंट्री थी वो 2 pound each थी, और अब हम जा रहे हैं कॉइन्स लेने। लाइक हम वहाँ एक मशीन है जिसमें हम लाइक पैसे डालेंगे और हमें कॉइन्स मिलेंगे। तो जो कुछ राइड्स है वो है 3 pounds की, कुछ है 4 pounds की। तो अभी हम सिर्फ 10 pound के ही कॉइन्स लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 राइड्स ले लिए हमने। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम पहले कौन सी राइड लेंगे। तो पहले ये मशीन है, ठीक है, इससे हम डालेंगे नोट और इसमें से निकलेगा टोकन, ठीक है। तो होगा सीन कुछ यूँ, मैं आप लोगों को दिखाती चलती हूँ। ला दो टोकन चाहेंगे, तो 20 पूरे ही होंगे क्योंकि कल कम थे। हाँ, पकड़ हाथ। 1, 2, 3, 4, 5 तो हम इस वाली राइड पर बैठने वाले हैं। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं इस वाली राइड पर नहीं बैठी। तो हमने ये अंकल है, इनको टोकन दे दिए। लाइक इस जो राइड के वो 4 token है, देख रहे थे आप उधर लिखा हुआ चकोर टोकन। सो जस्ट वी वेट फॉर स्टॉप, देन वी सिट और देखते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे लाइक इस तरह के डेंजरस जो राइड्स होती है उनमें ज़्यादा मज़ा आता है। जो हम पिछले दफ़ा आए थे उस राइड्स पे बैठे थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उस पर बैठे थे, इस पर बैठे थे और इससे बैठे थे, ये अभी था पैसे जाके था हमने। और अब देखते हैं, अब हम जाने लगे, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। सो आप देख सकते हैं कितना लाइक मुश्किल है। प्लीज